फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार सक्सेना आज आप लोग के बीच में नॉकिंग इन डीजल इंजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि डीजल इंजन में जो नॉकिंग है वो कैसे होता है और उसको हम किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम डीजल इंजन, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का कम्बसन प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे तो इसको समझने में बहुत ही आसान होगा। कम्बसन प्रोसेस जो है डीजल इंजन में चार चार प्रकार का जो है, चार प्रोसेस है जिसके चलते कंबसन इसमें पूरा पूरा होता है। तो सबसे पहला जो है इग्निशन डिले। इग्निशन डिले का मतलब क्या हुआ, जब हम फ्यूल को फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं, तो सपोज डेट हम मान लेते हैं कि 10 लाख हम 10 लाख हम मोलिकुल को हम पास कर रहे हैं, फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं 10 लाख को, तो 10 लाख जब फ्यूल जब जाएगा तो सब एकाएक नहीं जल जाएगा। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए 1 मिली सेकेंड में 1 लाख मोलिकुल गया फ्यूल का, फिर अगले मिली सेकेंड में फिर गया, फिर अगले मिली सेकेंड में फ्यूल गया, लेकिन अभी तक फ्यूल नहीं जला। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी हम लोग फ्यूल जो है जाते जा रहा है लेकिन अभी जल नहीं रहा। तो इसमें क्या होगा, इग्निशन में जो है हमारा लेट हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं इग्निशन डिले। तो जब इग्निशन डिले होगा तो क्या होगा कि हमारा जो है फ्यूल जो है स्टोर होगा, यानी कि स्टोर होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके कुछ देरी बाद फ्यूल जो है जलना शुरू करेगा। इसी को हम लोग इग्निशन डिले कहते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है कम्बसन का, वो अनकंट्रोल कम्बसन है। मान लीजिए हम लोगों ने फ्यूल को इंजेक्ट किया, तो फ्यूल जो है क्या हुआ कि गया सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा, लेकिन वो जला नहीं। तो क्या हुआ, स्टोर होते गया, स्टोर होते गया। तो उसमें क्या हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के द्वारा जब फ्यूल जो बर्न करने लगा, तो क्या हुआ, अब जलने लगा। तो बहुत सारे फ्यूल का जो मोलिकुल था वो क्या हुआ था, पहले से स्टोर था। तो जब जलना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि अचानक जो है बहुत सारे फ्यूल जलने लगे। तो क्या हुआ, अनकंट्रोल कम्बसन हो गया। यानी कि बहुत सारे फ्यूल का जो फ्यूल जो हम लोग इंजेक्ट किए थे जलना शुरू हो गया, तो क्या होगा, अनकंट्रोल कम्बसन होगा। तीसरा स्टेप में जब हम जा रहे हैं, तीसरा प्रोसेस में जा रहे हैं, तो इसका नाम है कंट्रोल कम्बसन। कंट्रोल कम्बसन का मतलब क्या हुआ, अब तो हमारा फ्यूल जल रहा था अनकंट्रोल कम्बसन से, तो हमारा फ्यूल जलना शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ कि फ्यूल जो है आ रहा है जल रहा है, आ रहा है जल रहा है, आ रहा है जल रहा है, क्योंकि हमारा जो है आग जो है लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, फ्यूल जब आएगा और जलेगा, आएगा जलेगा, तो इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चौथा ये भी केस हो सकता है, चौथा ये भी केस हो सकता है कि मान लीजिए फ्यूल आया और जलना शुरू किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फ्यूल का मोलिकुल्स जो है वो नहीं जल पाए, यानी कि वो क्या हुआ कि आफ्टर बर्निंग, यानी कि कुछ मोलिकुल जो है कुछ देरी के बाद भी जल सकते हैं। तो इसे हम लोग आफ्टर बर्निंग हम लोग कहते हैं। ये चार प्रोसेस जो है कम्बसन में ये चार प्रोसेस होते हैं। लेकिन नॉकिंग किस पे डिपेंड करता है, नॉकिंग जो है आपको हम बता देना चाहते हैं, ये जो इग्निशन डिले है इस पर बहुत ही नॉकिंग डिपेंड करता है। इसी के चलते हमारा नॉकिंग जो है वो डीजल इंजन में होता है। सबसे पहले नॉकिंग क्या है, नॉकिंग जो है अचानक प्रेशर का बढ़ना, इंजन में अचानक एकाएक प्रेशर का बढ़ना हम लोग नॉकिंग कहते हैं। तो नॉकिंग जो है, नॉकिंग का जो मेन जो रीज़न है इग्निशन डिले होता है। यदि हम हमारा इंजन में अगर इग्निशन जो है बहुत ही लेट से होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो है नॉकिंग हो सकता है। अगर हम नॉकिंग, अब तो हम जान गए हैं कि नॉकिंग जो है इग्निशन डिले के चलते होता है। अगर हम उसको इग्निशन को हम लोग नॉकिंग को अगर हम लोग कम करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम हायर इंजन टेम्परेचर, अगर हम इंजन के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि इंजन का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारा जो फ्यूल जो आ रहा है फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा, वो जैसी आएगा वैसे जलना शुरू होगा। तो जब फ्यूल जब आ रहा है और जल रहा है, तो हमें इसमें क्या होगा कि इसमें हमें लेट नहीं हो रहा है, देरी नहीं हो रहा है, तो हम लोग इग्निशन डिले को कम कर सकते हैं। जब हम इग्निशन डिले को कम करेंगे तो हमारा क्या होगा, नॉकिंग हमारा कम हो जाएगा। और दूसरा प्रोसेस के दूसरा हम लोग क्या है कि दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि अगर जिस फ्यूल का हायर सीटेन नंबर है, जिस फ्यूल का अगर सीटेन नंबर ज़्यादा है, अगर हम उसको यूज़ करेंगे, जो सीटेन नंबर जिस फ्यूल का ज़्यादा होता है वो क्या होता है, जल्दी जलता है। तो जो फ्यूल जो है जिस फ्यूल का सीटेन नंबर ज़्यादा होगा वो जल्दी जलेगा। जब जल्दी जलेगा तो हमारा इग्निशन जो है वो बहुत ही
जल्दी हो जाएगा। जब हमारा इग्निशन जब जल्दी हो जाएगा तो हमारा अनकंट्रोल कम्बसन को हम कम कर सकते हैं। जब अनकंट्रोल कम्बसन जब कम होगा तो हमारा नॉकिंग भी कम हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि नॉकिंग होने का कारण क्या है और नॉकिंग को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू।